क्लास फाइव हिंदी चैप्टर थर्ड नन्हा मुन्ना राही हूँ कविता हिंदी विकास वर्कबुक। प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए। तो पहला प्रश्न है राही कैसा है, तो राही कैसा है तो नन्हा मुन्ना, राही कैसा है नन्हा मुन्ना। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा, तो नन्हा राही रास्ते पर बिना डरे चलेगा, बिना डरे। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है, तो जय हिंद, जय हिंद बोलने के लिए कहता है नन्हा राही। नन्हा राही कहाँ दम लेगा, तो अपनी मंजिल पर दम लेगा, अपनी मंजिल पर दम लेगा। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, तो पसीना बहाएगा, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा, पसीना। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा, तो देश का सहारा बनेगा, नन्हा राही देश का सहारा बनेगा। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे, तो पापी, पापी हैं वो धरती पर जन्म नहीं ले पाएंगे। देश का सिपाही कौन है, तो नन्हा बालक है वो देश का सिपाही है। दूसरा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए, कि यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी और जो सही है उस पर टिक भी करना है। कि नन्हे मुन्ने राही का नारा है, तो कौन सा नारा था, तो जय हिंद का नारा था, यहाँ पे भी आपको लिखना है जय हिंद, जय हिंद का नारा था। नन्हा मुन्ना राही तो देश का सिपाही है, ये पूरा आपको वाक्य करना है कि नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है, ये देश का सिपाही पे टिक करना और यहाँ पे देश का सिपाही लिखना है। नन्हा मुन्ना राही में कहीं बम नहीं गिरने देगा, तो कहीं बम नहीं गिरने देगा, क राइट है तो उस पर टिक करना और यहाँ पर लिखना है कहीं बम नहीं गिरने देगा। नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी, तो अपने वतन को कहा, शांति की नगरी किसको कहा, अपने वतन को कहा। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा, तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसलों से लहलहा उठेगी, कि जब हम धूप में पसीना बहाएंगे तो खेत में जो फसल है वो लहलहा उठेगी, किसान है वो पसीना बहाकर अपने खेतों को, खेतों में जाकर अनाज पकाते हैं, अनाज उगाते हैं। दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा, तो नन्हा मुन्ना राही है सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा, तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा, प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो, तो बड़े होकर देश का सिपाही बनना चाहता हूँ। क्यों बनना चाहते हो, देश का सिपाही बनना चाहते हो, तो क्यों बनना चाहते हो, तो सिपाही बनकर मैं दुश्मनों से अपने देश को बचाना चाहता हूँ। आगे और प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो पहला कि मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा, दूसरा मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा, तीसरा मैं पानी की बचत करूँगा, और तीसरा बिजली की बचत करूँगा, और मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। ये देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो, ये काम है, पांच काम लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते। अगर मैं सिपाही होता तो डटकर सरहदों की रक्षा करता, किसी भी मुसीबत का सामना कर राष्ट्र की सेवा करता, और आपत के समय मेरे प्राण भी देने पड़े तो उसमें कोई झिझक नहीं करता, तो आपत के समय मेरे प्राण भी दे देता। तीसरा प्रश्न है हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं, और इनके रंगों के अर्थ बताइए, जो इनके रंग होते हैं उनके अर्थ भी बताना है। कि हमारे राष्ट्र ध्वज में तीन रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का, और हरा रंग हरियाली या समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए हम राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं, क्योंकि वह तीन रंगों से बना हुआ है। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। अब विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं जीना तो मरना, आगे पीछे, दायां बायां, धूप छाव, धरती आकाश, बड़ा छोटा, ऊंचा नीचा, शांति अशांति, प्यार नफरत, ये शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे मुहावरे दे रखे हैं, उनका अर्थ लिखना है कि मुहावरे का अर्थ क्या है, और एक वाक्य आपको लिखना है मर मर कर जीना। ये मुहावरा है कि मर मर कर जीना, तो बहुत कष्ट सहन करके
जीना, इसका अर्थ हुआ कि बहुत कष्ट सहन करके जीना। वाक्य है, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। दूसरा है दम लेना, तो आराम करना। वाक्य है कि मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा, कि मुझे जो सफलता प्राप्त करनी है वो मैं सफलता पाकर ही दम लूँगा। पसीना बहाना, तो कड़ी मेहनत करना, कि किसान धूप में पसीना बहाकर अनाज पकाता है, कि किसान है वो धूप में पसीना बहाकर अनाज पकाता है। आँखों का तारा, बहुत प्यारा। आँखों का तारा का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यारा। हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है। सातवां प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द बनाइए। अब एक से अधिक शब्द आपको बनाने हैं। यहाँ पे एक वर्ण दे रखा है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे र दे रखा है, तो र से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? राजा, रात, रोना, रोशनी और रक्षा, ये शब्द बने। अब आगे दिया है ध, ध से कौन कौन से शब्द बनेंगे? तो धूप, धरती, धूल, धन और धन्य। क से शब्द बना कमल, कागज, कठोर, कोयल, कीमत और कायर। म से बन रहा है मंजिल, माता, मुझे, मान, मेहनत और मेहमान। द से बन रहा है दया, दीन, दान, दाग, दरवाजा और दवा। इस तरह से एक से अधिक शब्द बनाने हैं एक वर्ण से।